हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं MET एग्री बिजनेस की। तो अगर आपने PAU में MBA करनी है एग्री बिजनेस की, तो जो एंट्रेंस टेस्ट आप दोगे उसका नाम है MET एग्री बिजनेस। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आपने MET एग्री बिजनेस में प्रोसीड करना है, आपकी सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मतलब टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सीट्स अवेलेबिलिटी की एंड फी स्ट्रक्चर की। फिर मैं आपको बताऊंगी कि एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा आपका, और भी बहुत सारे पॉइंट्स। तो देखते रहिए जी वीडियो, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जी। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, अगर आप MBA एग्री बिजनेस में करने वाले हैं प्रोसीड, तो आपकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, आप ग्रेजुएट्स हो सकते हो बेसिकली फील्ड में, एग्रीकल्चरल साइंसेज में आपके पास सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इनमें से कोर्स हो सकता है आपका, जैसे फूड टेक्नोलॉजी हो सकता है या बायो टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंसेज या एग्री बिजनेस, या BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंसेज, या BSc होम साइंसेज 4 ईयर्स का या 6 ईयर्स के ड्यूरेशन वाला, या BSc एग्रीकल्चर MACO। तो इनमें से कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, मतलब आप इनमें से किसी भी कोर्स को बिलोंग करते हो सकते हो, या आपके पास इनमें से कोई जो है वो कोर्स हो सकता है, तो आप MBA एग्री बिजनेस में प्रोसीड कर सकते हो। तो ये तो बात थी जी आपकी एलिजिबिलिटी की। तो देखते रहिए वीडियो, अभी और भी बहुत कुछ जानने वाला। चलिए जी बात करते हैं टेस्ट स्ट्रक्चर की। तो इसमें हमें टेस्ट स्ट्रक्चर में क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है इस टेस्ट का, वो मेजर करना है डेवलपमेंट मेंटल एबिलिटीज की एंड एप्टीट्यूड्स का फॉर स्टडीज इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, कि पता लगाना है कि डेवलपमेंट कैसी है मेंटल एबिलिटीज के एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसका जो स्कोर है वो किस किस को मिला के बनेगा, जो स्कोर है इसका वो कैसे कैसे है। एक तो जो आपने एग्ज़ाम दिया उसकी जो लिस्ट आई, उसके जो अब में आपके मार्क्स आए वो, प्लस स्कोर ऑफ ग्रुप डिस्कशन होएगी एंड इंटरव्यू होएगी, ये दोनों चीज़ें मिलके मेरिट बनाएंगे एडमिशन के लिए। ठीक है जी, तो इसका मेन एम है, हम देखते हैं जी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड फॉर स्टडीज इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो पता करना है कि डेवलपमेंट कैसी है मेंटल एबिलिटीज की एंड एप्टीट्यूड्स की एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, एंड जो स्कोर है वो कैसे है। एक तो जो आपने पेपर दिया, एग्जाम दिया, वो अलॉन्ग विद द स्कोर ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू जो कि आपके PAU में होगी। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें मिलके मेरिट बनाएंगे आपकी एडमिशन के लिए। ठीक है जी, तो अभी इसके बाद हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस आने हैं और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो देखते रहिए। तो चलिए जी बात करते हैं टेस्ट स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में आएंगे वो हैं 300 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में आएंगे, और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में। अब जो पार्ट वन है, पार्ट टू है, अब ये क्या चीज है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना वो 2 पार्ट्स में होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको 2 पार्ट्स कह लो, 2 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस हैं। जो पार्ट सेकंड है उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस हैं। तो 300 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे बने हैं, पार्ट वन के 60 क्वेश्चन, पार्ट टू के 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मिला के। ठीक है, फिर इनमें आएगा क्या, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं कि 60 क्वेश्चंस हैं, ये किस तरह के आएंगे, आएगा क्या इसमें। तो ये जो 60 क्वेश्चंस पार्ट वन में आपको आने हैं, ये आने हैं फ्रॉम रिटन कम्युनिकेशन एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। फाइन, अब जो पार्ट टू है जिसमें कि आपको 120 क्वेश्चंस आने हैं, ये कहाँ से आने हैं, जनरल नॉलेज से। ठीक है, सो पार्ट वन में
रिटन कम्युनिकेशन एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, पार्ट टू में जनरल नॉलेज। पार्ट वन के 60 क्वेश्चन, पार्ट टू के 120 क्वेश्चन को मिला के 300 क्वेश्चन आएंगे आपको आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में। फाइन, फिर जो हर एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट करे जाएंगे, तो ध्यान से अटेम्प्ट करना। अब जो वेटेज है पार्ट वन की वो है 60%, पार्ट टू की है 20%, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू 20%, दैट इज 10% ईच। तो वेटेज पार्ट वन की 60% आएगी, मतलब मेन यही आएगा। पार्ट टू में 20% वेटेज है, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू हमने कहा था ना उसका भी मेन रोल है, तो उसकी 20% है। तो जो आपकी फाइनल जो मेरिट बननी है, जो एडमिशन के लिए बननी है, वो इन तीनों की आनी है, पार्ट वन, पार्ट टू एंड ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। तभी मैंने कहा था इसे अभी पहले कि जो मेरिट बननी है वो आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपने सॉल्व करा, ये जो मार्क्स आए उसकी, प्लस ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू की भी बननी है। कई स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को यही नहीं पता होता कि इसके भी मार्क्स लगने हैं। बिल्कुल लगनी है जी, 20% वेटेज है इसके भी, तो ध्यान दो। ठीक है जी, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, 300 क्वेश्चंस हैं, और देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप नोट कर लीजिए जी, किस में से क्या आना है, किस अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो, या फिर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज में पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो ये तो बात रही टेस्ट स्ट्रक्चर की, अभी आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं सीट्स अवेलेबिलिटी की। तो MBA एग्री बिजनेस में, दैट इज MET आपका एग्री बिजनेस जो है, इसमें जब आप क्लियर कर लोगे, तब आपने जब MBA एग्री बिजनेस में प्रोसीड करोगे, तो जनरल एंड रिजर्व्ड सीट्स हैं जी 30, नॉमिनेटेड बाय ICAR हैं 10, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 40। सो MBA एग्री बिजनेस वाले कोर्स में 40 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, एक मैंने MET की इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाई है, डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उसे भी एक बार चेक कर लीजिए। उसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हैं, अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताया है, सारे कोर्सेज को समझाया है वहाँ पे भी, तो एक बार आप प्लीज़ उसे भी चेक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप MET के बाद जब आप काउंसलिंग के लिए अगर जाने वाले हैं, तो एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी वीडियो है, आप उसे भी प्लीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपकी जो काउंसलिंग है उस टाइम पे। ठीक है जी, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो फिलहाल आपको स्क्रीन पे फी स्ट्रक्चर दिख रही है जी, नोट कर लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर की फुल फीस आपने लेके जानी होती है काउंसलिंग के टाइम पे, या कह लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो नोट कर लीजिए जी, उतनी आप ले जाना। आई होप नोट कर लिया। एक पॉइंट और यहाँ पे बताना जरूरी है कि ये सारा टेंटेटिव डाटा है जो कि 2020 प्रॉस्पेक्टस, PAU प्रॉस्पेक्टस के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जिस भी ईयर में अप्लाई कर रहे हैं उस ईयर का प्रॉस्पेक्टस चेक कर लीजिए, या आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है PAU की उसके साथ चेक करते रहिए। और आप सनी कोचिंग क्लासेस के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो कौन कौन जा रहे हैं जी MBA एग्री बिजनेस के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं जी अब एडमिशन प्रोसीजर, कि अगर आपने जब ये एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो चलिए जी अब वो देखते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखो, सबसे पहले तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, जो भी आपने देना है एग्जाम वो आपको पता चल चुका है, आप कोर्सेज के अकॉर्डिंगली आप उसमें अप्लाई करोगे, तो आपका एग्जाम जो भी वो डेट देंगे वो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो एग्जाम है वो आपने उसको दे देना है और उसे क्वालिफाई कर लेना है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट आएगा ऑनलाइन मोड में, आपको वेबसाइट पे वो लिस्ट आ जाएगी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की,
आपने उसमें अपना जो रोल नंबर है वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाइड हो, कैंडिडेट्स की लिस्ट में हो या नहीं। अगर हो तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपने उसके बाद आपको वो वाइट फॉर्म देंगे, एक वाइट फॉर्म होता है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल होता है। ऑनलाइन वेबसाइट पे आ जाएगा या फिर आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, ठीक है, या फिर ऑफलाइन भी अवेलेबल होता है PAU में। तो आपने वो वाइट फॉर्म को फिल कर लेना है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसे अच्छे से फुलफिल कर लेना है। उसमें वो कहते हैं अटेस्टेशन की, तो आप गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो वो सेल्फ अटेस्ट कहते हैं, तो वो आप खुद के साइन कर लेना, ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनकी वो सारी फुलफिल कर लेना। फिर काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर वो आपको डे बताएंगे, डेट बताएंगे कि इस दिन आपकी काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो उस दिन आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके तब तक के हैं वो लेके जाने हैं, ठीक है। एक बात और मैंने इसके रिगार्डिंग ना जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके का अलग वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने डिटेल में यही बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने होते हैं, ठीक है। जो डिटेल्ड अगर व्यू चाहिए तो उस वीडियो को प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो आपके जो काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने अपने सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपीज, जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया है, तो वो लेके जाने हैं, ठीक है। तो चेक कर लेना प्लीज़ एक बार उस वीडियो को। फिर मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, ये आपको PAU के अंदर ही जब आपकी ये हो जाएगी ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, आप लेके जो PAU के अंदर ही हॉस्पिटल है वहाँ जाओगे, वहाँ पे फिर आपकी मेडिकल फिटनेस को चेक करके फिर आपको रिसिप्ट दे देंगे। आप वापस जो जहाँ पे आपकी काउंसलिंग चल रही होगी उन्हें वो रिटर्न रिसिप्ट दे दोगे, बस फिर आपकी एडमिशन फाइनल हो जाएगी। हो जाएगी एडमिशन, हो गए तो अब इसके बाद क्या बच गया, फिर क्लासेस, बस फिर वो पढ़ाते जाएंगे और आप पढ़ते जाओगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एडमिशन तो आपकी हो गई, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं। अगर आपने सिलेक्शन प्रोसीजर की ही डिटेल में जानना है, डिटेल में वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसकी भी वीडियो बनी हुई है, आप MET के रिलेटेड लिंक्स को चेक करिए ज़रा, उसमें आपको इसका डिटेल्ड वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानना है उसकी अलग वीडियो है, और अगर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल में जानना है तो उसकी अलग वीडियो है, ठीक है। तो आप MET रिलेटेड एक बार सारी वीडियोज ही चेक कर लीजिए, आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया है, तो ये नोट कर लीजिए, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो मास्टर्स में PAU में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप MET के बारे में और भी जानना चाहते हो तो MET की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाई है कि किस कोर्स के लिए कौन से वाले जो MET है उसमें अप्लाई करना है, MET के डिफरेंट कोर्सेज के बारे में उसमें बताया हुआ है, इम्पॉर्टेंट डेट्स बताई हुई हैं, एलिजिबिलिटी बताई हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एक बार आप MET की जनरल वाली वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वायस, आप हमें क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्पेशल टॉपिक्स। जी हाँ, अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ, जैसे मैंने बताया ना कि एग्ज़ाम में कुछ ही टॉपिक्स में से जो है आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं, मतलब आप कुछ टॉपिक्स को कवर करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वो हम आपको बताएंगे कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत थोड़े टाइम में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हम आपको बताएंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे आपने बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चाहे क्वेश्चन जितना मर्जी मुश्किल ही क्यों ना हो। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज, जैसे हम आपको ना हैंड रिटन नोट्स देंगे, स्पेशल नोट्स देंगे आपको हैंड रिटन, जिसमें कि आपको ना अच्छे तरह से वेल एक्सप्लेन सब कुछ मिलेगा, ठीक है जी, और फाइल्स मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा फिर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्लास में भी करवाई जाएगी, आपके टीचर्स आपको वो करवाएंगे अच्छे से, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। फिर आपके ना मतलब बहुत, जैसे वीकली टेस्ट हो गए, 10 डेज बाद हो गए, तो वो टेस्ट चलते ही रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपका जो लेवल है
वो एग्जाम के अब कितना पास है, मतलब आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव होता आपको खुद को दिखता जाता है, ठीक है। और मॉक टेस्ट सीरीज में आपको ना बिल्कुल फिर एग्जैक्ट व्यू आ जाता है कि इस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। जो मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है उसका और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल सेम होता है, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है, ठीक है। आपको देख के पता चल जाता है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आपके माइंड में एक इमेज सी बन जाती है। फिर ट्रिक्स, देखो बहुत सारी चीज़ें लर्निंग वाली होती हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल ट्रिक्स बताई जाएंगी, कैसे आप याद कर सकते हो, कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं जो आपको आपके टीचर्स करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपका जो वे है वो इजी हो पाए। इंडिविजुअल अटेंशन, जो मेन बात है सनी कोचिंग क्लासेस की वो ये है, यहाँ पे बैच साइज बहुत छोटा रखा जाता है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रखा जाता है एक बैच में, ताकि इंडिविजुअल अटेंशन रह पाए, चाहे फिर वो ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो। ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लास में हम कितने सारे स्टूडेंट्स बिठा लेते हैं, उसमें भी हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही रखते हैं, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है वो फ्री फील कर पाए कि वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ पाए, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही वेज अवेलेबल हैं, तो आप हमें जैसे मर्जी ज्वाइन कर सकते हो, आपको नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, आप उस नंबर पे हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम हमेशा आपके क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हाजिर रहेंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है इन्हीं एग्जाम्स के रिगार्डिंग वो पता चलती जाती है। और आप हमें जब मर्जी कॉल करो जी, जब मर्जी हमें इंस्टाग्राम पे चाहे डायरेक्ट मैसेज करो, और चाहे मर्जी जैसे मर्जी हमें कॉन्टैक्ट करो, चाहे आप हमें आके मिल जाओ हमारी ब्रांच में, ठीक है जी। तो ये था सब कुछ आपके एग्ज़ाम के बारे में और हमारे बारे में। सो आई होप दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो बाय बाय जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द क्लास।